हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ठीक है, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। ठीक है, और पढ़ाई कर रहे होंगे, प्रॉपरली स्टडी कर रहे होंगे और अपने घरों के अंदर होंगे। ठीक है बेटा, कल के लिए मैं सॉरी सॉरी चाहता हूँ, कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी। ठीक है, क्योंकि थोड़ा बहुत नेट का इशू आ गया था, ऊपर से भी थोड़ा लेट हो गया था, 9th वाले की वीडियो बनाते बनाते काफी लेट हो गया था कल। ठीक है, तो उसके लिए आप सभी से सॉरी बोलता हूँ मैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। ये फिजिक्स की क्लास है। ठीक है, और प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने सोलर हीटिंग डिवाइसेस के बारे में थोड़ा पढ़ा था, तो आज सोलर हीटिंग डिवाइसेस के बारे में थोड़ा और जानेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा देरी नहीं करते हैं। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे द सोलर हीटिंग डिवाइसेस। ठीक है, नाउ ऑल द सोलर हीटिंग डिवाइसेस आर डिजाइन इन सच अ वे दैट दे हेल्प इन कलेक्टिंग एज मच सन्स हीट रे एज पॉसिबल। ठीक है, और जो सारे के सारे जो सोलर हीटिंग डिवाइसेस होते हैं बेटे, मैंने एग्जांपल अगर आपको दिए थे, सोलर कुकर, सोलर सेल, ठीक है, सोलर पैनल, ये सारे सोलर हीटिंग डिवाइसेस के एग्जांपल होते हैं। अब वो कह रहा है कि जितने भी सोलर हीटिंग डिवाइसेस, ऑल द सोलर हीटिंग डिवाइसेस आर डिजाइन इन सच अ वे, सारे के सारे सोलर हीटिंग डिवाइसेस को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है दैट इस तरीके से डिजाइन किया जाता है ताकि वो मदद कर सके ज्यादा से ज्यादा सन्स, सूरज की जो हीट रे हैं उसको कलेक्ट करने में ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके, मदद कर सके। ठीक है, अंडरस्टूड। ऑल द सोलर हीटिंग डिवाइसेस आर डिजाइन इन सच अ वे दैट दे हेल्प इन कलेक्टिंग एज मच सन्स हीट रे एज पॉसिबल। ठीक है, तो एग्जाम में अगर आपसे पूछता है कि हाउ द सोलर हीटिंग डिवाइसेज आर डिजाइन, तो आप बोलेंगे द सोलर हीटिंग डिवाइसेज आर डिजाइन इन सच अ वे दैट दे हेल्प इन कलेक्टिंग एज मच एज सन्स हीट रे एज पॉसिबल। जितनी ज्यादा हो सके उतनी सन की हीट रे को कलेक्ट करने के लिए, कलेक्ट कर सके, इस तरीके से सोलर हीटिंग डिवाइसेज को डिजाइन किया जाता है, बनाया जाता है। नाउ दिस इज डन, और ये मैक्सिमम जो हीट रे है सन की वो कलेक्ट हो सके वो कैसे होगा, नाउ वी विल डिस्कस। दिस इज डन बाय यूजिंग अ ब्लैक पेंटेड सरफेस, अ ग्लास शीट कवर एंड सम केसेस ऑल्सो अ प्लेन मिरर रिफ्लेक्टर। और ये सब चीज कैसे होगा, ये सब चीज हम कैसे करेंगे, एक ब्लैक पेंट सरफेस का यूज करके, एक ग्लास शीट कवर का यूज करके, और कुछ कुछ केसेस में एक प्लेन मिरर, जो सादा आईना जिसको आप ड्रेसअप मिरर कहते हो, जो आपके घरों में होगा, प्लेन मिरर रिफ्लेक्टर का यूज करके। ठीक है, समझ गए, जो मैक्सिमम सन की हीट रे को कैसे कलेक्ट करेंगे, बाय यूजिंग ब्लैक पेंट सरफेस, ग्लास शीट कवर एंड अ प्लेन मिरर रिफ्लेक्टर। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज द रोल ऑफ ब्लैक पेंटेड सरफेस, ग्लास शीट कवर एंड अ प्लेन मिरर रिफ्लेक्टर। अब ब्लैक पेंटेड सरफेस का यूज क्यों करेंगे, आपका प्लेन मिरर रिफ्लेक्टर का यूज क्यों करेंगे और ग्लास शीट कवर का यूज क्यों करेंगे, नाउ वी विल डिस्कस। अ ब्लैक पेंटेड सरफेस इज यूज्ड बिकॉज ब्लैक सरफेस एब्जॉर्ब मोर हीट रेज ऑफ द सन देन अ व्हाइट सरफेस। अब देखिए, यहां पर मैंने शुरुआत में आपको इन अर्लियर आई टेल यू दैट अ सोलर हीटिंग डिवाइस आर डिजाइन इन सच अ वे दैट दे हेल्प इन कलेक्टिंग एज मच एज सन हीट रे। अब यहां पर ब्लैक पेंट सरफेस का यूज क्यों किया जाता है, बिकॉज ब्लैक एब्जॉर्ब मोर हीट रे ऑफ द सन देन व्हाइट सरफेस। क्योंकि जो ब्लैक होता है वो ब्लैक पेंटेड सरफेस का यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो ब्लैक होता है वो ज्यादा हीट रे जो सन से आती है उसको एब्जॉर्ब करता है, किसके कंपैरिजन, व्हाइट सरफेस के कंपैरिजन, तो इसलिए ब्लैक सरफेस का यूज किया जाता है। ठीक है, सो इन एग्जाम इफ द एग्जामिनर आस्क व्हाई अ ब्लैक पेंट सरफेस इज यूज्ड फॉर कलेक्टिंग सन्स हीट रे, तो आप बोलेंगे बिकॉज ब्लैक सरफेस इज अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट देन व्हाइट सरफेस। क्योंकि ब्लैक सरफेस क्या करता है, ज्यादा हीट रे एब्जॉर्ब करता है, किसके कंपैरिजन, व्हाइट सरफेस के कंपैरिजन। और एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप कोई भी व्हाइट, आप लोग व्हाइट क्लोथ पहनते हैं और सन में निकलते हो, आपको ज्यादा गर्मी महसूस होती है, क्यों, बिकॉज ब्लैक इज अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। नाउ अ ग्लास शीट इज यूज एज अ कवर इन सोलर हीटिंग डिवाइस बिकॉज अ ग्लास शीट ट्रैप मोर एंड मोर ऑफ सन्स हीट रे बाय प्रोड्यूसिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब मैंने बताया ब्लैक पेंट सरफेस का यूज क्यों करते हैं सोलर हीटिंग डिवाइस में, मैंने बता दिया। अब वो बोल रहा है ग्लास शीट का क्यों करते हैं, बिकॉज अ ग्लास शीट इज यूज एज अ कवर इन सोलर हीटिंग डिवाइस
बिकॉज अ ग्लास सीट ट्रैप मोर एंड मोर ऑफ सन्स हीट रे बाय प्रोड्यूसिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्लास सीट का यूज क्यों करते हैं? क्योंकि ग्लास सीट का यूज कवर के तौर पर करते हैं सोलर हीटिंग डिवाइस में, जो सोलर हीटिंग डिवाइसेस होते हैं उसमें कवर के तौर पर, कवर मतलब कवच, कवर के तौर पर यूज करते हैं ग्लास सीट का सोलर हीटिंग डिवाइस पर। अब क्यों करते हैं? पहले तो देखिए दो क्वेश्चन हो गए, ग्लास सीट का यूज सोलर हीटिंग डिवाइस पर किस तरह किया जाता है? एज अ कवर, पहला क्वेश्चन ये बच गया। और क्यों किया जाता है? बिकॉज अ ग्लास सीट ट्रैप मोर ऑफ सन्स हीट रे बाय प्रोड्यूसिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्योंकि ग्लास सीट जो होती है, जो ग्लास की सीट होती है, जो ग्लास परत होती है, जो ग्लास सीट होती है, वो ज्यादा से ज्यादा सन की हीट रे क्या करती है? ट्रैप करती है। क्या करती है? ट्रैप्स करती है, मतलब फंसा लेती है, एकत्रित कर लेती है। कैसे? ग्रीन हाउस इफेक्ट को प्रोड्यूस करके। ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी, और जब ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस होगा तो ज्यादा सोलर जो सन की हीट रे है वो ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस होगी। तो एग्जाम में पूछ सकता है आपसे, व्हाई ग्लास सीट इज यूज्ड इन अ सोलर हीटिंग डिवाइस? तो आप बोलेंगे बिकॉज अ ग्लास सीट ट्रैप मोर एंड मोर सन्स हीट रे बाय प्रोड्यूसिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट। अंडरस्टूड? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1-1 मार्क्स में आते हैं, लाइटली मत लेना इसको। ठीक है, नाउ द थर्ड इंस्ट्रूमेंट, नाउ वी आर डिस्कसिंग अ प्लेन मिरर रिफ्लेक्टर। व्हाट इज द यूज ऑफ प्लेन मिरर रिफ्लेक्टर इन सोलर हीटिंग डिवाइसेस? अ प्लेन मिरर रिफ्लेक्टर इज यूज इन सोलर कुकर। फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेस दैट इन विच सोलर हीटिंग डिवाइसेस द प्लेन मिरर रिफ्लेक्टर इज यूज्ड, मतलब कौन से सोलर एनर्जी डिवाइस, सोलर डिवाइस हीटिंग डिवाइसेस में प्लेन मिरर का यूज होता है? तो आप बोलेंगे सोलर कुकर में यूज होता है, पहला क्वेश्चन ये अराइज होगा। ठीक है, और क्यों यूज होता है प्लेन मिरर सोलर हीटिंग डिवाइसेस या सोलर कुकर में? टू इंक्रीज द एरिया ओवर विथ सोलर एनर्जी इज कलेक्टेड सो दैट हीट रे ऑफ द सन एंटर द सोलर कुकर बॉक्स। ठीक है, तो प्लेन मिरर रिफ्लेक्टर का यूज क्यों करते हैं? ताकि एरिया इंक्रीज हो जाए, एरिया बढ़ जाए। ठीक है, ओवर विथ सोलर, किसका एरिया बढ़ जाए? जिस एरिया में सोलर एनर्जी कलेक्ट हो रही है, जिस एरिया में सोलर एनर्जी क्या हो रही है, जो सन की हीट है वो कलेक्ट हो रही है, एकत्रित हो रही है, उसका एरिया बढ़ जाए सो दैट हीट रे, ताकि जो हीट रे है सन की वो एंटर हो सके सोलर कुकर बॉक्स में, सो दैट हीट रे ऑफ द सन में एंटर द सोलर कुकर बॉक्स। आई होप यू आर क्लियर। ठीक है, तो दिस इज द सोलर हीटिंग डिवाइसेस। ठीक है, सोलर हीटिंग डिवाइसेस में इतना आप लोगों ने पढ़ लिया तो इससे बाहर आपका कुछ नहीं जाएगा, तो मैंने आपको पूरा ये समझा दिया है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सोलर कुकर। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे सोलर कुकर, एज यू सी दैट। नाउ द सोलर कुकर, व्हाट इज अ सोलर कुकर? फर्स्ट ऑफ ऑल, द सोलर कुकर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू कुक फूड बाय यूटिलाइजिंग द हीट एनर्जी रेडिएटेड बाय द सन। व्हाट इज सोलर कुकर? सोलर कुकर क्या होता है? एक ऐसा डिवाइस होता है जिसका यूज खाना पकाने के लिए होता है। किसका यूटिलाइजेशन करके? हीट एनर्जी का यूज करके, जो कि रेडिएट हुई है। रेडिएट मतलब कहां से पाई गई है? सन से। जिसका जो कहां से निकाली गई है? सन से निकाली गई है। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सोलर कुकर। इट इज अ डिवाइस विच इज यूज फॉर कुकिंग फूड बाय द यूटिलाइजेशन of heat energy which is radiated by the sun. Now, a solar cooker consists of an insulated metal box or a wooden box which is painted all black from inside. ठीक है, एक जो solar cooker होता है उसके अंदर क्या क्या चीजें होती है? एक तो insulated metal box, एक metal box होता है। ठीक है, एक धातु का बक्सा होता है, मतलब एक metal box हम मान लें, metal मतलब धातु के, धातु से बना हुआ बक्सा होता है, या वुडन बॉक्स, लकड़ी का बॉक्स होता है, विच इज पेंटेड ऑल ब्लैक फ्रॉम इनसाइड, जिसको पूरी ब्लैक पेंट से, पूरी तरीके से ब्लैक से पेंट किया होता है अंदर से। ठीक है, ब्लैक, और ब्लैक से क्यों पेंट किया आपको पता है? बिकॉज ब्लैक इज अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट। ठीक है, देयर इज अ थिक ग्लास सीट कवर ओवर द बॉक्स एंड अ प्लेन मिरर रिफ्लेक्टर इज ऑल्सो अटैच्ड टू द बॉक्स। और क्या होता है? एक बहुत ही मोटी ग्लास सीट होती है जिसको कवर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, बॉक्स के ऊपर एक ग्लास सीट कवर चढ़ाई जाती है। ठीक है, और एक प्लेन मिरर रिफ्लेक्टर होता है, वो भी बॉक्स से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है,
ऊपर बता दिया मैंने आप लोगों को, द फूड टू बी कुक्ड इज पुट इन अ मेटल कंटेनर विच आर पेंटेड ब्लैक फ्रॉम आउटसाइड। और जो खाना है किसमें पकता है, खाना जो खाना पकाने के लिए रखना पड़ता है, तो वो कहां पर रखेंगे आप, एक मेटल कंटेनर होगा जो कि पेंट होगा ब्लैक, पूरा काले रंग से पेंट होगा बाहर से, तो उस पर आपको फूड जो पकाने वाला खाना है वो रखते हैं उस पर, ठीक है। दीज मेटल कंटेनर आर देन प्लेस इनसाइड द सोलर कुकर बॉक्स, ठीक है, और यही मेटल कंटेनर को फिर अंदर रखा जाता है सोलर कुकर बॉक्स के और कवर कर दिया जाता है ग्लास सीट से, ठीक है। तो ये सोलर कुकर के बारे में था, ठीक है, और मैं अभी आपको सोलर कुकर दिखा भी देता हूं डायग्राम में किस तरीके का होता, तो आप समझ जाओगे क्या उसमें मेटल बॉक्स है, क्या उसमें थिक ग्लास सीट है और क्या उसमें प्लेन मिरर रिफ्लेक्टर है, ठीक है। एक मिनट है, जस्ट वन मिनट। नाउ देखिए, ये है आप लोगों का सोलर कुकर, ठीक है। मैंने जब प्लेन मिरर बताया था मैंने आपको, देखिए ये प्लेन मिरर रिफ्लेक्टर है, ठीक है, और ये ग्लास सीट है, ग्लास सीट्स आप देख सकते हैं, मैंने बताया था ग्लास सीट है, और ये कुकिंग पॉट्स है यहां पर, ये देखो कुकिंग पॉट्स, यहां पर खाना आप लोग रखते हैं, कुकिंग पॉट्स है जो कि पेंटेड है ब्लैक आउटसाइड्स, ये आप देख सकते हैं, ठीक है, और ये इंसुलेटेड बॉक्स है, देखो ये इंसुलेटेड बॉक्स जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, इंसुलेटेड बॉक्स, मेटल बॉक्स या वुडन बॉक्स जिसको पेंट किया गया है ब्लैक फ्रॉम इनसाइड, अंदर से ब्लैक से इनसाइड से पेंट किया गया है, तो ये आप लोगों का क्या है, आपका सोलर कुकर है, ठीक है। तो आप, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे इसको, और आप लोग समझ के इसको क्या करेंगे, नोट्स बना लेंगे इसके, ठीक है, और इसी के साथ आज की क्लास यहां पर खत्म करते हैं। कल हम कंस्ट्रक्शन, टुमारो वी विल डिस्कस द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ सोलर कुकर, ठीक है, और इसी के साथ वीडियो देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।